मुहारी गांव से दो दिन पूर्व गुम हुई 15 वर्षीय किशोरी का नाक कान कटे हुए कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका। शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र के मुहारी गांव से दो दिन पूर्व गायब हुई 15 वर्षीय किशोरी का नाक कान कटे हुए शव गांव के एक कुएं से बरामद हुआ है। किशोरी का नाक कान कटे हुए शव कुएं से बरामद होने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से किशोरी के शव को बाहर निकलवाया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। किशोरी की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दो दिन पहले दर्ज कराई थी गुमशुदगी। जानकारी के मुताबिक अंजलि पुत्र विजयराम पाल उम्र 15 वर्षीय निवासी मुहारी दो दिन पूर्व रात में बिना बताए घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खनिया थाना थाने में दर्ज कराई थी। रविवार की देर शाम अंजलि का शव गांव के ही एक कुएं में उतराता हुआ मिला। परिजनों ने इस मामले में किशोरी की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का संदेह जताया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। नाम है शोभा राम पाल। यह जो एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये परिजनों ने मुझे बताया 5 तारीख की रात को 3 बजे के आसपास लड़की घर से गायब हुई और इन्होंने बताया है कि वो सौरभ सेन के घर गई। सौरभ सेन को जो कॉल डिटेल में उसका निकाला गया तो 3 बजे रात को वो सौरभ सेन के घर पहुंची लड़की और उसने बताया है कि 4 बजे वो रिटर्न हुई वहां से उसके घर से। तो इसका कारण तो समझ में नहीं आया कि 3 बजे उसके घर गई और 4 बजे रिटर्न हुई, रिटर्न होके फिर कहाँ गई, बच्ची गायब हुई। 6 तारीख को परिजनों ने बताया तो थाने जा कर के और पुलिस को बताया, पुलिस को बताती हुई अपना जो आवेदन दिया, रिपोर्ट डाली वहाँ। पुलिस तुरंत उस पर शाम को पुलिस गई 6 तारीख में तो दोनों लड़कों को उठा के लाई। प्रशासन ने इसमें सहयोग किया। अच्छा, दूसरी बात वहाँ से फिर चलते हैं तो अपन 6 तारीख में ये रिपोर्ट डली। 7 तारीख को मैं इनके साथ रहा परिजनों के। 7 तारीख को शाम डेड बॉडी कहाँ मिली है? 7 तारीख को शाम को कुआ में डली ये डेड बॉडी मिली। मेरे पास फोन आया, मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, पुलिसकर्मियों ने तुरंत खड़े उतरे, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँची, TI साहब साथ में गए तो वहाँ जाके उस डेड बॉडी को निकाला। जब तक मैं परिजनों के साथ रहा और इसमें प्रशासन मदद करता रहा भली भांति और सभी लोगों का सहयोग रहा। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है जैसे संदेह हो रहा है कि 3 बजे किसी के घर आना और फिर 4 बजे वापस जाना। तो घर आना इसका मतलब आपने फोन करके बुलाया है या घर वो आई है तो फिर आपने उस पर क्या क्या कहाँ छोड़ी, कैसे छोड़ी? 1 घंटा हम आपके घर आ जाएं या कोई भी किसी के घर जाए तो वो उसको छोड़ने जाता है रात को 4 बजे, कहाँ जाएगी कैसे? तो संदेह है। नाम है विजय राम पाल। कहाँ के हो? मुहारी कला के। एक डेड बॉडी मिली है। हाँ। बच्ची की, ये क्या मामला है? ये बच्ची की डेड बॉडी 5 तारीख में सौरभ सेन के यहाँ में आया। मैंने उससे पूछा कि ये बच्ची कहाँ है अंजलि पाल, तो उसने बताया। मैंने मोबाइल डिटेल निकाल के उसके आधार पर पूछा, इसके दोनों बच्चों की निकली, उसकी सौरभ सेन की और रोहित केवट की। तो उनसे पूछा तो उनने कहा कि सौरभ सेन ने कहा मेरे पास 3 बजे रात को आई थी 5 तारीख में और 3 बजे रात को आई, 4 बजे वापस हो गई, बोली घर जा रही हूँ, मेरे पास घर नहीं गई, मैं घर पे था नहीं, मैं दाएं किनारे गया था खेत पे। सियाराम पाल की हम 4 लोग थे, एक मेरा नाम विजयराम पाल, दूसरे का नाम जिसकी दाएं हो रही थी सियाराम पाल, उसकी घरवाली का नाम भुवन पाल। तो ये डेड बॉडी कहाँ मिली? डेड बॉडी कुएं में मिली। किसके कुएं? करंजू पटेल के कुएं में मिली। कहाँ पर? करंजू लोधी पटेल मुहारी कला में। मुहारी में मिली। हम्म। कितने तारीख में मिली है डेड बॉडी? डेड बॉडी मिली है 7 तारीख में। 7 में। हाँ। कितने दिन से गायब थी? पांच तारीख से गायब थी। 5 तारीख से। हाँ। तो आप रात के समय, आपका किसी के ऊपर संदेह है? नाम बताया मैंने, सौरभ सेन और रोहित देवट, दोनों के ऊपर। हाँ, ये दोनों का डिटेल निकला है मोबाइल में, दोनों का बातचीत होती थी, घंटों बात चलती थी इन्हीं के ऊपर। क्या नाम है भैया? मैं कल्लू पाल, मोहरी कला। ये जो डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? अब पूरा मामला तो ये है कि अभी ये कंजू पटेल के कुआ के अंदर डेड बॉडी मिली हुई है कल की तारीख में। तो ये बच्ची है। हाँ। ये इसकी उम्र कितनी थी? 14 के 15 के समथिंग, मतलब 14 से 15 से ऊपर नहीं है, 14 के मतलब अंदर है। हाँ। तो ये घर से कितने दिन से लापता थी? ये गुरुवार की रात, गुरुवार की 5 तारीख।
तो ये डेड बॉडी कब मिली है? ये डेड बॉडी कल मतलब कल की कल हाँ 7 तारीख को मतलब ये समथिंग 5:30 या 6 बजे के समथिंग। तो इसमें आपको किसी पर संदेह है वगैरह? संदेह तो है लेकिन नहीं है, जो मोबाइल से मतलब उनकी जो पुलिसकर्मी पकड़ के ले गए थे जो चीज़ को, मतलब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था, मतलब जो मोबाइल के आधार से नंबर से पकड़ के ले गए थे तो दोनों को लेगा, एक को मतलब उनने छोड़ दिया। दो कौन कौन? दो आरोपी, एक मुली केवट का लड़का। क्या नाम है? मुली केवट का लड़का का नाम पता नहीं है, मुली केवट उसके पिताजी का नाम बता रहे हैं हम, मोहित केवट, रोहित, रोहित केवट। हाँ, और एक और कौन? और दूसरा सौरभ सेन, उसके पिताजी का नाम है बीरन सेन। ये दोनों के ऊपर संदेह है? हाँ, संदेह का फिर मतलब जो संदेह हमने नहीं करा है, जो पुलिसकर्मियों ने जांच करके मतलब जो भी करा हो, हमने किसी का नाम नहीं लिया है।